हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक सुंदर सा डोरमेट डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं। 20 फंदे डालने के बाद एक सिलाई इसमें उल्टी उल्टी बना ली है। ये जो डिजाइन है ये उल्टी साइड स्टार्ट होगा, तो मैंने ये इसमें एक सिलाई इसमें बना ली है और ये इसकी उल्टी साइड। तो उल्टी साइड इसमें मैं अपने यही कलर लगाऊंगी। इसमें घुमाते हुए मैं इसमें एक फंदा बनाऊंगी, तो हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। अठारह फंदे बनाने के बाद इसमें दो फंदे अपने इसी सिलाई पे छोड़ देने हैं। यहीं से हम अपने रो को मोड़ लेंगे और सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। मैं आपको ये रो बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमने इसमें एक रो बना ली है। अब ये इसकी आगे की देखो, हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो हम इसमें ऐसे जब पहला फंदा बनाएंगे वहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। इसको हम ऐसे राउंड में लिख के आएंगे, तो एक से ये दो फंदे, दो, तीन, चार, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। अठारह फंदे बनाएंगे और हमें दो फंदे अपने इसी सिलाई पे छोड़ देंगे। यहीं से हम अपने रो को मोड़ लेंगे। सीधी साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। फ्रेंड्स, ये देखना फ्रेंड्स, मैंने अपनी रो बना ली है। अब हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो इसमें हम पहला फंदा बनाएंगे ए स्टिच। तो उसमें हम इसको पीछे की तरफ से देखो, पीछे धागा करके तब इसको बनाएंगे। तो हमारे एक फंदे से दो फंदे बन जाएंगे यहाँ पर, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह फंदे बनाएंगे और दो फंदे अपने इसी सिलाई पे छोड़ देंगे। यहीं से हम अपने रो को मोड़ लेंगे और सीधे साइड फ्रेंड्स जो जैसा है वैसा ही बनाना है। फ्रेंड्स, आप इस डिजाइन को पुरानी चुन्नी से, साड़ी से, मैक्रोम से बना सकते हो। आपके पास पुराने ऊन है तो उससे भी इसको बना सकते हो। डबल फोल्ड करके हमें बनाना है पुरानी ऊन से और सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। यहाँ पे ये रो मैंने इसमें बना ली है। अब इसकी अगली सिलाई ये उल्टी साइड। उल्टी साइड भी हम इसमें अभी कलर चेंज करेंगे। हमें हर दूसरी सिलाई में इसमें कलर चेंज करना है। तो जब हम कलर चेंज करेंगे तो पीछे की साइड धागा लेके जाएंगे और वहाँ वैसे हम बनाएंगे। तो एक फंदे से हमारे यहाँ पे दो फंदे बन जाएंगे, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह फंदे बनाएंगे और दो फंदे अपने इसी पे छोड़ देंगे। हमें फ्रेंड्स दो फंदे यहाँ पे छोड़ना है और सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। मैं आपको ये रो बना के दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, मैंने अपने रो बना लिया। अब हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो हमें फ्रेंड्स हमें जो हम ए स्टिच बनाएंगे तो ये अब हम कलर चेंज करेंगे। इसको आगे इसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे हर उल्टी सिलाई में।
तो हमें एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है और हमें दो फंदे अपने लास्ट में छोड़ने हैं। आप जितना बड़ा ये झालर का लुक दे रहे हैं आप उसमें अपने सिलाइयों पे इसको बना सकते हैं। मैं इस पर 10 फंदे बढ़ाऊंगी तो 10 सिलाइयाँ यहाँ पे बनाऊंगी। 10 फंदे बढ़ेंगे तो 10 बार हमारे फंदे छूटेंगे। यहाँ पर मैं ये दो फंदे और छोड़ देती हूँ और अपनी रो सीधे साइड बना लेती हूँ। सीधे साइड फ्रेंड जो जैसा है उस कलर का ही बनाना है, हमें सीधे साइड कोई डिजाइन नहीं बनाना। सीधे साइड जो जिस कलर का है उस कलर का ही बनाना है। तो मैं आपको ये रो ऐसे ही सीधी इसमें उल्टी उल्टी बनानी है पूरी सिलाई। हमें सीधी साइड कोई डिजाइन नहीं बनाना, हमें उल्टी साइड में जब हम बनाएंगे तो पहला फंदा बनाएंगे उसमें हम एक फंदा बढ़ा देंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे और अपना ये इसमें बनाएंगे। फ्रेंड्स मैंने अपने रो बना लिए। फ्रेंड्स इस तरह हमें इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सिलाइयाँ बनानी है। 5 सिलाई अपने फर्स्ट कलर से और 5 सिलाइयाँ अपने दूसरे कलर से बनानी है। इस तरह मैं इसमें आपको कुछ सिलाइयाँ और बना के दिखाती हूँ। हमें उल्टी साइड इसमें एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है और दो फंदे यहाँ पे छोड़ते जाना है। तो मैं इसकी आपको कुछ रो और बना के दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार फंदे छोड़ दिए और एक बार इसमें और छोड़ूंगी। तो इसमें ये पहला फंदा बनाएंगे तो इसमें हम एक ये पीछे की तरफ लेके जाते बनाएंगे, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दो फंदे हम इसी पे छोड़ देंगे। यहीं से हम अपने रो को मोड़ लेंगे, एक हमारा स्टिच का फंदा। तो सीधे साइड जो जैसा है उस कलर का ही बनाना है, सीधा सीधा ही बनाना है। फ्रेंड्स मैंने इसमें 10 बार फंदे छोड़ दिए हैं और 10 फंदे हमारे यहाँ पे बड़े हुए हैं। तो मैं आपको ऐसे ही ये देखना फ्रेंड्स, मैंने अपनी रो इसमें बना ली है। अब हम इसमें इसी कलर से हमें ये फंदे जो हमारे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और ये फंदा हम इसी पे वापस से चढ़ाएंगे यहाँ पे ऐसे, फिर दो का एक फंदा बनाएंगे और एक फंदे को हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। ये हमारे 3 बार किया, 4 बार। फ्रेंड्स हमें ये फंदे घटाने हैं, जितने फंदे हमने यहाँ पे बनाए हैं उतने फंदे हम यहाँ पे घटा देंगे। हम इस वाले उनको ऐसे लेके जाएंगे तो हमारा ये जब हम आगे उन लेंगे तो इसमें ज़्यादा उलझन नहीं आएगी, फिर हम इसको ऐसे ही यहाँ पे घटा देंगे। फ्रेंड्स अब हमारी सिलाई पे देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तो हम दो फंदे और यहाँ ये फंदा भी इसमें घटा देंगे। तो हम जितने फंदे हमने बनाए थे वो सभी फंदे हमने यहाँ पे घटा दिया है और ये सभी फंदे हम वापस से अपनी सिलाई पे बना लेंगे। अब हमारी सिलाई पे ये जितने फंदे हमने डाले थे 20 फंदे डाले थे, तो 20 के 20 फंदे हम यहाँ पे अपने इस सिलाई पे ले लेंगे वापस से। और सीधे साइड फ्रेंड्स जो जैसा है उस कलर का ही बनाना है। ये रो मैंने बना ली, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड हमें फंदे कटाने हैं और सभी फंदे अपनी सिलाई पे लेने हैं। अब ये इसकी सीधे साइड जो जैसा है उस कलर का ही बनाना है। मैं आपको ये रो बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने ये कली पूरी की है, यहाँ पे मैंने ये कली बना दी है। अब अपने दोबारा से हम अपने दूसरी कली बनाएंगे तो इसमें हम कलर चेंज करेंगे और हम इसमें फंदा पहला फंदा हम यहाँ पे देखो पीछे से लेके आएंगे, तब हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे ऐसे 1 से 2 फंदे और इसको फंदे को हम टाइट कर देंगे, इस ऊन को टाइट करेंगे
दो तीन चार। फ्रेंड्स अब हम इसमें अपनी दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको तीन रंग से चार रंग से भी बना सकते हो। मैंने इसमें तीन ही कलर लगाए हैं, तीन ही रंगों का यूज़ किया है। देखो ये मैंने अपनी रो इसमें सभी फंदे बनाने हैं। एक फंदा मैंने वहाँ पे बढ़ा दिया है और दो फंदे यहाँ पे इसमें छोड़ दूँगी। ये दोबारा से अपने दो फंदे यहीं पे छोड़ देंगे और अब सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स मैंने अपनी रो बना ली है। अब हम इसमें अपना कलर चेंज करेंगे। तो ये पीछे की धागा से हम बनाएंगे, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। हमें दोबारा से अपने हर उल्टी सिलाई में एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। इसको टाइट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और ये उन्नीस। एक फंदा हमारा बड़ा हुआ फंदा, अठारह फंदे ये उन्नीस फंदे। दो फंदे हम यहीं पे छोड़ देंगे और सीधे साइड जो जैसा है उस कलर से ही बनाना है। ये देखना फ्रेंड्स मैंने अपनी रो बना ली है। अब हम अपना सेकंड सिलाई और इसमें कलर चेंज करेंगे। तो हमें पीछे से ही इसको बनाऊंगी। एक फंदा हमें स्टार्टिंग में बनाना है, इसको टाइट करेंगे। ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और दो फंदे यहीं पे छोड़ देंगे। यहीं से हम अपने रो को मोड़ लेंगे। सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। मैं आपको ये रो बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने अपने रो बना लिया। फ्रेंड्स इसी तरह हमें इसमें दो दो फंदे यहाँ पे छोड़ते जाना है, अपने इसी सिलाई पे रहने देना दूसरे जिस पे हम बना रहे थे, और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है हर उल्टी सिलाई में। तो इस तरह मैं आपको ये जैसे मैंने ये कली बनाई थी ऐसे ही ये कली बना के दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स मैंने इस तरह अपनी कली बना ली है। अब हम इसको बंद करेंगे। तो बंद हम ऐसे करेंगे, देखो ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर इस फंदे को इस फंदे पे इस सिलाई पे चढ़ाएंगे और ये वाला फंदा और ये वाला आगे वाला फंदा हम इसमें एक और लेंगे दो फंदों का, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर इसको इस पे चढ़ाएंगे। एक दो तीन, इसी तरह हमें जितने फंदे हमने बढ़ाए थे, अगर आप बड़ा बना रहे हो या छोटा बना रहे हो, जितने फंदे हमने बढ़ाए थे वो फंदे हमें यहाँ पे अपने बंद करने हैं। हमें वापस से जितने फंदे डाले थे उतने फंदे ही अपने सिलाई पे रहने देने हैं और सभी फंदे यहाँ पे बंद कर देने हैं। ये मैंने एक बार और ये इसमें अभी 20 फंदे हैं, एक दो और सभी फंदे अपने सिलाई पे वापस से इसमें बुन लेने हैं। अब हम इसमें अपनी अगली कली स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमें ये फंदे सभी बना लेने हैं जितने फंदे हमने छोड़े थे, जितने सिलाई में हमने फंदे छोड़े थे सभी अपने इसी सिलाई पे ले लेने हैं। फ्रेंड्स इसी तरह हम अपना डोरमेट डिजाइन बनाते जाएंगे। एक एक फंदा उल्टी साइड बनाना है और दो दो फंदे छोड़ते जाना है। तो ये रो मैंने बना ली है फ्रेंड्स। देखो अब हम अपना ये कली मैं सीधी ये अपनी ये जो बनाई है एक सिलाई सीधी इसमें उल्टी उल्टी बनाऊंगी, फिर अपना दोबारा से जैसे मैंने यहाँ से बनाया था कलर चेंज करके अपनी कली बनाऊंगी। तो हमारा ये सुंदर सा डोरमेट डिजाइन बनता जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।